व्हाट्स एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की रॉ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बात करते हैं हम लोग एकदम शुरुआत से। तो गाइस, सबसे पहले आते हैं हम लोग सेठ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉनसन रीड की राइवलरी से, जो कि काफ़ी दिनों से चल रही है। देखो, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, दोनों एक दूसरे को सबक सिखाना चाह रहे हैं, एक दूसरे का करियर ख़त्म करना चाह रहे हैं। अब फाइनली मैच जाके लग गया क्राउन जेवल में, सेठ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉनसन रीड। और आज का ब्रॉल तो इन दोनों का यार कमाल का था, मज़ा आ गया। मतलब एक बार वो जाके मार रहे हैं, एक बार जाके वो मार रहा है, फाइनली मैच सेट। अब देखना ये कि इन दोनों में जीतेगा कौन। हो सकता है इसमें ब्रॉनसन रीड जीत जाए क्योंकि स्टोरी लाइन आगे बढ़ाना हो, और अगर WWE को सेठ रॉलिंस की CM Punk से कंटिन्यू करना है, जैसे कि कुछ ही हफ्ते, अब की हफ्ते छोड़ के उससे पहले वाले वीक में हम लोग ने देखा था आमने सामना सेठ रॉलिंस CM Punk का, तो सकता है ब्रॉनसन रीड की यही इनकी राइवलरी ख़त्म हो जाए, लेकिन आगे भी बढ़ सकती है। और ये देखने में बहुत मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग मैच होगा क्राउन जेवल में, बहुत दूर नहीं बस आने वाला है। तो ये मैच का तो मुझे बहुत इंतज़ार है, क्योंकि इसका ब्रॉल भी यार एक नंबर का, और एक दूसरे के खून के प्यासे भी हैं। पर सेठ रॉलिंस का चैलेंज एक्सेप्ट हो गया, क्राउन जेवल में इनका मैच सेट हो गया। अब आते हैं हम लोग न्यू डे वर्सेस AOP पे, जो कि फाइनल टेस्टमेंट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, मतलब एक ही टीम समझो, अलग तो समझ नहीं ना। जो कि इनका भी मैच था, कमाल का मैच था, द वर्ल्ड टैग टीम टाइटल नंबर 1 कंटेंडेंस टूर्नामेंट था, बेहतरीन मैच था। एक्सेवियर वुड कॉफी किंगस्टन जीत गए, बट किसकी वजह से? आर्थरूथ की वजह से। यार आप लोग ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं बताता हूँ, आर्थरूथ की वजह से जीते, लेकिन एक्सेवियर वुड के ऊपर मूड खराब हो गया यार। उन्होंने तुम्हारी मदद किया, और जब फाइनल टेस्टमेंट और सब लोग मिलकर उनको मार रहे थे तो तुमने मदद नहीं किया, अजीब हो यार तुम। और वैसे भी हम लोग कुछ हफ्तों से देख रहे हैं एक्सेवियर वुड का बिहेवियर टोटल अजीब है, पूरा बेकार चल रहा है इनका बिहेवियर कहीं पे भी सेट ही नहीं हो पा रहा। कॉफ़ी इंडियन से भी भिड़े जा रहे हैं, कभी रिग्रेट कर रहे हैं, मतलब अजीब चल रही नीडम कॉफ़ी एक्सेवियर वुड की स्टोरी नहीं। बट अब ये लोग जीत तो गए, अब देखने आगे इनका किससे मैच पड़ता है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा अपना द वाइट 6 के रिटर्न पे। क्या रिटर्न हुआ यार, मज़ा आ गया देखने में। कभी कभी तो ब्रे वाइट की याद आ जाती है मुझे, हाँ क्योंकि उनसे ही जुड़ा है। भले आज ब्रे वाइट नहीं है तो क्या हुआ, वाइट 6 तो हमेशा रहेंगे। अब द फाइनल टेस्टमेंट वर्सेस द वाइट 6 देखने को बहुत जल्दी मिलेगा हम लोग को, जो कि शायद अगले हफ्ते से इनकी राइवलरी स्टार्ट हो जाए। WWE इन लोग की राइवलरी स्टार्ट करना चाह रही है, क्योंकि आर्थरूथ का रिटर्न हो गया, आर्थरूथ तो बच गए। अब देखना ये कि इनकी राइवलरी कहाँ तक जाती है। मुझे नहीं लगता बहुत लंबी जाएगी, कहो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दो मैच पड़े, लेकिन मज़ा आएगी इनकी राइवलरी भी देखने में, क्योंकि टक्कर का मैच होगा, मज़ा आएगी देखने में इनकी राइवलरी। चलते हैं अब गाइस थोड़ा अपना डैमेज कंट्रोल वर्सेस लिव मॉर्गन एंड रकेल रोड्रिग्ज़ के मैच पे। एंडेड तो देखो नो कंटेस्ट हुआ, बट मैच तो एक नंबर का था, मज़ा आ गई देखने में। हाँ अब भैया रिया रिप्ली से रिवैल्यू हुई है, इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ेंगी वो, आ क्या सबको मज़ा चखा दिया। मतलब पहले रकेल रोड्रिग्ज़ को, फिर लिव मॉर्गन को, उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो को, सबको मारे एकदम डोमिनेंट कर दिया, मतलब समझो भागे भागे फिर रहे लोग हर तरफ रिया रिप्ली से, मामी से अपनी। बट अब देखना ये कि जब इनका मैच होगा क्राउन जेवल में तो रिया रिप्ली का इंटरप्शन होता है या नहीं होता है। मेरे ख्याल से तो लिव मॉर्गन को जीतने नहीं देंगी इतनी जल्दी, क्योंकि खून की प्यासी है इनकी वजह से, इन डोमिनिक की वजह से, और इनकी वजह से उन्होंने अपना टाइटल खो दिया, क्योंकि डोमिनिक बीच में आ गए, उन्होंने भी बेटर कर दिया रिया रिप्ली को, काफ़ी स्टोरी लाइन हो चुकी है इन लोग की। तो रिया रिप्ली नहीं, जल्दी नहीं मानेंगी वो, अपना रिवेंज ज़रूर लेंगी, और जो कि हमें आगे दिखे, अब तो दिख ही रहा है वो, और हो सकता हो कि इनका इंटरप्शन हो जाए जिसकी वजह से टाइटल ये लॉस कर दें, नया जैक जीत जाए। लेकिन अब आते हैं थोड़ा नया जैक से भी बात कर ही लेते हैं इस वीडियो में, स्मैकडाउन में तो करते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं। अब इनके ऊपर कैशिंग भी हो सकता है, और कैशिंग करेगी कौन, टिफी करेगी, वो तो चाह रही है काफ़ी दिन से इनके ऊपर कैशिंग करना, बट वो भी खुल के सामने नहीं है। लेकिन इनका मैच भी इंटरेस्टिंग होगा, मतलब क्राउन जेवल में एक मैच इंटरेस्टिंग ही इंटरेस्टिंग है। अभी कॉर्डिलो और गुंथर पे भी हम लोग आएंगे लास्ट में, पहले ड्रॉ अपना कंप्लीट कर लेते हैं। तो ज़रूर देखेगा क्राउन जेवल, तो मिस ही मत करना, मज़ा आ जाएगी देखने में यार। नेक्स्ट मैच पर रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली वर्सेस अमेरिकन मेड, जो कि जीत हुई रे मिस्टीरियो एंड ड्रैगन ली की, लेकिन कमाल का मैच हुआ यार दोनों के बीच,
कमाल की मूव हुई, कमाल की डाई आई मारा दोनों ने, मज़ा आ गया इनकी मैच में। ये भी वही था वर्ल्ड टैग टीम टाइटल नंबर वन कंटेंडर्स के लिए, जो कि रे मिस्टीरियो ड्रैगन जीत गए हैं। अब देखने की नेक्स्ट वीक इनका मैच किससे पड़ता है, अब बढ़िया ही होगा, हो सकता है एक्सेवियर वुड और कॉफी किंगस्टन से भी आगे चल के पड़ जाए, आमना सामना हो जाए इन लोग का, मजा आएगी मैच भी देखने में। बाकी अब आते हैं अपने मेन इवेंट पे, इसके बारे में बहुत सारी बात करने मुझे आप लोग से ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो जीत तो ब्राउन ब्रेकर की हो गई, लेकिन इंटरप्शन की वजह से हुई, क्योंकि देखो जब भी कोई मैच होगा इंटरप्शन होगा तो भाई माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, जी उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि वो तो वैसे भी कह रहे थे आगे स्टार्टिंग में कि आज मैं ही टाइटल जीतूंगा, बट चलो कोई नहीं, जीत लिया, मुझे भी बुरा लगा, सभी को लगा हीट वाले फैन को, आज हीट नहीं चल पाया, बट चलो कोई बात नहीं, हीट तो चलेगा। अब हुआ किस वजह से, ब्लड लाइन की वजह से, अब हम एक को तो कहेंगे नहीं क्योंकि सारे इन्वॉल्व थे यार, देखो तामा तोंगा भी, तोंगा लुआ भी, उनको तो सिक्योरिटी ने संभाल लिया, लेकिन जेकब फाटुक कौन संभालेगा और फिर सोलो सिकोवा को तो ब्राउन ब्रेकर ने स्पेयर मार दिया था, आप लोग ने देखा होगा, वहाँ पे भी एक WWE का सेगमेंट देखने में मज़ा आ गई थी, मतलब वहाँ से एक चीज़ ये तो दिखता है कि इनकी भी आगे कहीं ना कहीं हो ही सकती है ब्राउन ब्रेकर वर्सेस सोलो की। लेकिन ये सब कब होगा, जब रोमन से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और रोमन से ख़त्म होना इतनी जल्दी है नहीं, क्योंकि भाई उला फाला के पीछे लड़ाई है, इतनी है, मामूली बात थोड़ी ना है। और इनका मैच भी अब होगा अच्छा, क्योंकि अब होगी ब्लड लाइन रियूनाइट, जे उसो भी वापस आएंगे, और उन्होंने एक ही इंटरव्यू में कहा है कि वो जिमी उसो से रियूनाइट होके और टैग टीम के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं, जो कि मतलब बहुत बन रहे हैं, मतलब जे उसो को तो जानते हैं आप लोग, वो कहाँ जल्दी किसी बनने देंगे, लेकिन आज ब्लड लाइन की वजह से उन्होंने अपना टाइटल खो दिया, बट चलो कोई बात नहीं, ब्रेकर ने भी तो खोया था जे उसो के हाथ अपना टाइटल, तो सब लगा रही थी WWE में, क्योंकि अब जे उसो का कैरेक्टर चेंज करना है, स्टोरी घुमानी है, इनको वापस वाले फॉर्म में लाना है जिमी उसो के साथ द ब्लड लाइन, तभी तो फिर वॉर होगा सर्वाइवर सीरीज में, वॉर गेम्स में, रोमन की ब्लड लाइन, रॉक की ब्लड लाइन। बट अभी देखो एक चीज़ हम बता दें, कंफर्म नहीं है कि द रॉक आ सकते हैं सर्वाइवर सीरीज में, और बहुत से ऐसे रूमर भी हैं कि वो रेसलमेनिया 41 मिस कर जाएंगे, बट ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रूमर देखो आते जाते रहते हैं, तो इसको बहुत सीरियस मत लेना, लेकिन अब जो है तो वो मैं आपको बताता हूँ, डिस्कस तो हम लोग करते हैं, तो सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो ये आप देखना ये कि नेक्स्ट फ्राइडे पे जे उसो आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन एक चीज़ तो यहाँ से मिल गई कि जे उसो अब पक्का ब्लड लाइन बस बनने वाली है, दो तीन हफ्ते के अंदर को हम लोग को दिख जाए ब्लड लाइन कम्प्लीट, देखो उससे जल्दी दिख जाए हम लोग को। बाकी अब बात करते हैं थोड़ा क्राउन जेवल के बारे में, जो कि है 2 नवंबर को, अपने वहाँ तो 3 को आएगी, नहीं अपने वहाँ भी 2 ही को आएगी, क्योंकि आपकी बार सऊदी अरेबिया में है, तो टाइमिंग वही रहेगी 10:30 बजे, बाकी अभी तो 3 मैच लगे हैं खाली, सेट रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड, नाया जैक्स वर्सेस लिम मॉर्गन, कॉर्डी रोड्स वर्सेस गुंथर। देखो अब इस मैच में अजीब चीज़ें हो सकती हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। देखो पहली चीज़ गोल्डबर्ग का रिटर्न तो 100% समझो, क्योंकि बैड ब्लड के शाम में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट हुई थी, अपलोड हुई थी, ट्रिपल एच और गोल्डबर्ग को हक करते हुए थैंक यू कहते, उन्होंने कहा कि हम जल्दी और बातें करेंगे, यहाँ से इशारे तो मिलता है कि गोल्डबर्ग वापस आएंगे, और उन्होंने कैमरामैन से भी कह दिया था गुंथर को कि यू आर नेक्स्ट, मतलब इनका मैच होने ही होना है, तो हो सकता है मैच में इंटरप्शन कर जाए या मैच के बाद वो क्राउन जेवल में अपना रिटर्न लेने, क्राउन जेवल में काफ़ी सऊदी में मैच लड़ते भी हैं, जैसे कि क्राउन जेवल में उनका बॉबी लैशली से भी मैच हो चुका है सऊदी में, एलिमिनेशन चैम्बर रोमन रेन से भी हो चुका है, तो गोल्डबर्ग आने के काफ़ी चांसेस है। बाकी आज हमने एक नई चीज़ भी देखा, डेमियन प्रीस्ट और गुंथर, डेमियन प्रीस्ट ने गुंथर से साफ कह दिया पहले तुम अपने ये सब निपटा लो, बाद में फिर मैं अपना टाइटल तुमसे ले ही लूँगा वापस, मतलब एक चीज़ ये भी हो चुका है कि इनका भी मैच होगा, अभी गुंथर से जब ख़त्म हो जाएगा सब कुछ कॉडी रोड्स का, तो हो सकता है गोल्डबर्ग से शुरू हो जाए, तो जब गोल्डबर्ग से भी ख़त्म होगा तब शायद डेमियन प्रीस्ट का होगा, तब तक डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर की तो चलती रहेगी। तो अब WWE तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है दिन पर दिन, क्योंकि नई काफ़ी रिटर्न्स हो रहे हैं, ब्लड लाइन भी बन रही, और काफ़ी सारे रिटर्न्स होने बाकी भी हैं, अभी ब्रॉक लेसनर का भी बहुत सारा उम्र आ रहा है, बट आगे हम लोग चल के देखते हैं कौन आता है कौन नहीं, लेकिन इतनी टाइम स्टोरी लाइन तो मज़ेदार थी, और आज का रॉ भी यार काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मज़ा आ गया देखने में, जो कि इस रॉ को मैं दूंगा 4.5 स्टार, कमाल कर रहा था।
तब तक के लिए गाइस आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनी प्रेडिक्शन बताइएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ हाँ गाइस, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, जब भी जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर प्रेस करो। बाय बाय।